कि पहली बार कैसे नाचे ये भैरव देवता उत्तराखंड में, पहली बार इनने अवतार कैसे लिया और कैसे नाचे और क्यों नाचे, मतलब क्या विपदा आ गई थी जो जब विक्टोरिया राज्य हुआ करता था उत्तराखंड में। आप लोगों को दोस्तों देख लेना, मतलब इतिहास पढ़ लेना पूरा, मतलब इतिहास जो उत्तराखंड का है। एक टाइम पर ऐसा तो मारी पुकार बिसोला ने, कहा गया मेरा काल भैरू, आज मेरे मैं मारी उत्तराखंड घुमलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में। और दोस्तों यह आपका अपना चैनल है, इसे लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं लोगों के पास और जहां जहां तक हो सके भेजें, क्योंकि दोस्तों जितना यह लोगों के पास जाएगा उतना लोगों की मतलब अज्ञानता दूर और जो बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएँ हैं, इसी जो मेरी वीडियो देखता है उसमें से बहुत सारी शंकाओं का उनको सवाल वगैरह मिल जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मेरे दर्शक सब्सक्राइबरों का बहुत सारे सब्सक्राइबरों का आ रहा था भैरव देवता की कहानी सुनाओ सर, भैरव देवता की कहानी सुनाओ। ये भैरव देवता का मेरा पार्ट टू आ रहा है दोस्तों आज, क्योंकि दोस्तों पहला नंबर पार्ट है मैंने डाल रखा है इसमें टमोटा वाली कहानी डाल रखी कि टमोटा से इनको टमोटा वगैरह कैसे लेकर आए उत्तराखंड, कैसे इनको इधर से नेपाल से उत्तराखंड में लेकर आए। अब दोस्तों मैं इसमें जो कहानी डालूंगा कि पहली बार कैसे नाचे ये भैरव देवता उत्तराखंड में, पहली बार इनने अवतार कैसे लिया और कैसे नाचे और क्यों नाचे, मतलब क्या विपदा आ गई थी जो इनने यहाँ उत्तराखंड में अवतार रखा नाचने के लिए। तो दोस्तों यह कहानी ध्यान से सुनना, मैं दरअसल ये कहानी मैं खुद नहीं कर रहा, मैं गुरुजी के मुझसे सुनाऊंगा और यदि आपको नहीं आएगी समझ में तो मुझसे बोलना, फिर मैं इसे अपने लैंग्वेज में हिंदी में सरल भाषा में और आपको सरलता से समझा दूंगा। दरअसल दोस्तों यह कहानी उस वक्त की है जब विक्टोरिया राज्य हुआ करता था उत्तराखंड में। आप लोगों को दोस्तों देख लेना, मतलब इतिहास पढ़ लेना पूरा, मतलब इतिहास जो उत्तराखंड का है। एक टाइम पर ऐसा था विक्टोरिया राज्य था जिस टाइम पर सब जगह विक्टोरियाओं का मतलब था पूरा, तो उस टाइम पर हमारे उत्तराखंड में भी पूरा उन्हीं का राज था। तो इधर शासन प्रशासन मुगलों को दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया कि किस तरीके से इनका शासन मुगलों चला करता था, तो इनने हमारे धर्म को कितना आघात करने की कोशिश करी है। तो आप इस वीडियो से भी देखो दोस्तों कि हमारे पहाड़ों में कितनी सच्चाई है, एक मतलब महिला अपने सच्चाई के लिए लड़ती हुई अपने कर्म से धर्म से रहती है, नहीं पछले जब उसके दोस्तों मैके वालों पर बात आ जाती है कि यार कैसे हमारे वंश होगा क्या होगा, तो उसके मारने मारने मुरने पर बात आ जाती है, तब जाके भैरव देवता प्रकट होते हैं। बैरागी शिवनाथपुर नई बस्ती मालसन चौड़ गंगला चौकी के पास पूर्व पितरों के था मेरा ग्राम सुगराड़ी पोस्ट ऑफिस गैराड़ और जिला बागेश्वर, पहले अल्मोड़ा में था बागेश्वर में हो गया, कांडा करौली गढ़गाड़ शिमैली बौंडियार धार में सभी मेरे नज़दीक पड़ते हैं, प्लस खुंड और फयाटी जड़ीगाड़ ये मेरे करीब में पड़ते हैं, बागेश्वर मेरा प्रॉप बाजार है। मेरे पिता का नाम था मदन नाम स्वर्गीय मदन नाम फौजी, मेरे मामा टिपोला श्री गोसाई राम जी, आमा धनली देवी बुबू मोहन नाम स्वर्गीय। तो आज मेरे पास मुझे वो भी मैंने सुना आप जैसे गोपाल गोस्वामी जी के, हाँ जी हाँ, तो जब मैं आठ में सात में पढ़ा करता था मेरी आवाज़ बहुत पहुँची हुई थी, आज उत्तरांचल सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लिया हुआ, मसुकबीन में भी मेरा एक भाग है, दूसरा गायक कलाकारी में है। तो 11 साल उत्तरांचल सांस्कृतिक प्रोग्राम में हो गए और तो आज ऊपर वाले के दिन से काफ़ी मान सम्मान है। पहली बात तो देवी देवता अपनी आत्मा के अंदर हैं। अच्छा गुरु जी एक चीज़ और बात करना चाहूँगा, जैसे आप भागवत वगैरह भी सुनाते थे, मैंने सुना है। हाँ तो पूरे भागवत पूरा महाभारत जैसे गाय के अंग अंग में 43 करोड़ देवते बसे, वो क्या कारण है, गाय का गोबर ही कामयाब है वो क्या कारण है, घास तो अन्यथा बहुत प्रकार का है डूब की ही जरूरत क्यों पड़ती है वो क्या कारण है, पांच भाई पांडव की एक ही औरत थी माँ द्रौपदी ने कहा था बेटा सब जने तिल तिल पर माट खाओ,
तो वो कौन थी और क्या किसका श्राप था, क्या कारण है? तो मुझे आज 33वां साल लग गया है ये काम करते करते। काम से 56 विद्या में 55 विद्या तो देवी देवताओं की है, एक विद्या इंद्रजाल की है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी सज्जन, कोई भी गुरुलोक कभी भी हो, इंद्रजाल की विद्या से किसी का घर खराब करना नहीं चाहो। जहाँ देखो धर्म की बात करना है तो पुलिस वाले, जंगलात वाले और गुरु लोगों की पनप नहीं होती है। आज मेरा एक वसूल है, भगवान ऊपर वाला हमको भेजता है, जाओ बेटा संसार में किसी का भला करो, तो उसमें हमें गरीब अमीर सब देखना पड़ता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आजकल के समय में दुनिया भर के जादू टोना कपट वाले हैं, दुनिया भर के माताएं नाच रहे हैं, मगर मैं नहीं मानता। भगवती माँ जगत माता जगत जननी के सारी रूप हैं, अवतार के 108 उसके रूप हैं, अवतार सारी हैं, चंडिका गर्देवी भगवती और काली। इस समय कोई कहता मैं भगवती हूँ गर्देवी हूँ, कोई कहता मैं गंगा माई हूँ, कोई कहता मैं सुरवर माई हूँ, कोई कहता मैं चंडिका हूँ, कोई कहता है मैं शिव जी हूँ, कोई कहता है मैं भोलेनाथ जी हूँ, मगर अवतार किसी का नहीं है। माँ जगदंदी माता के चार ही अवतार हैं। तो जैसे 3 साल मैं गोपाल बाबू गोस्वामी के साथ रहा, तो उनके साथ हमारे बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला होता है बहुत तकड़ा, तो मैं उस समय 7 में पढ़ता था। स्कूल में हमारे बाल सभा होती थी शनिवार के दिन, तो वहाँ से मुझे उत्तरायणी के मेले में उठाया गया। उत्तरायणी के मेले से मैं नैनीताल रहा। एक समय मेरा ऐसा था, मैं बड़ा अच्छा गायक कलाकार था, तो 33 साल मुझे जागर लगाते लगाते हो गए। 15 साल 7 महीने का था, मैं गुरु बन गया था। वो क्यों? जिद के मारे मेरे पापा आसाम से घर आए फौज से। उन्होंने कहा मैंने अपनी माँ का काट क्रिया नहीं कर पाया, मैं लड़ाई में था, करौली सौर इधर तुम्हारा नैल और इधर नीचे उसके नीचे तुम्हारा श्याव, उसके बाद कुछ नाम है वहाँ हमारे लोग रहते हैं, वहाँ तो बहुत समय हो गया बाहर नहीं गया हुआ, तो वहाँ का रहने वाला मैं हूँ, सुगराड़ी का ग्राम सुगराड़ी पोस्ट ऑफिस बागेश्वर वहाँ का रहने वाला हूँ। मदन नाम फौजी स्वर्गी और गोपाल नाम मेरे दादा हैं, पूछ दी मेरे बूबू जी। अब रहा सवाल भैरों, 1940 में विक्टोरिया राज हुआ था, 3 कुमाऊँ 4 पट्टी गढ़वाल का राजा था। इस समय तो मैं ऐसी भाषण देके बोल रहा हूँ, तो विक्टोरिया राज में तो वह 3 कुमाऊँ 4 पट्टी कुमाऊँ का राजा था विक्टोरिया का, तो वह इतने जगहों का रकम कलम उगाता था। अब रकम कलम उगाते उगाते वो बुढ़ापा आ गया, बुढ़ा हो गया, 100 वर्ष का बुढ़ा हो गया। तो उन्होंने अपने गण भेजे, पहले तो सारा गांव इकट्ठा किया, भाई मेरे इतने जगहों का रकम कलम उगा के कौन लाएगा, सब असमर्थ हो गए। तब उन्होंने जब गण भेजे तो पशुपति नेपाल से नरसिंह गुरखिया मंगाया, तो नरसिंह गुरखिया जब आया तो उसको राज सौंप दिया। बोले महाराज तो 3 कुमाऊँ 3 पट्टी कुमाऊँ 4 पट्टी गढ़वाल में कौन कौन सा राज बढ़ता है? सबसे पहला कोपवार, 18 भाई कोप्याल रहते हैं, वहाँ की रकम कलम ले आओगे। तब जाओगे कोसारी बार, वहाँ 9 भाई कोसारी रहते हैं, वहाँ से रकम कलम ले आओगे।
तब जाओगे पांडुखाल, सात भाई पांडु रहते हैं, वहाँ से कम करम उठा के लाओगे। तब जाओगे मैरू देश, 22 भाई महल रहते हैं, सॉरी 16 भाई महल रहते हैं, वहाँ से रकम कलम ले आओगे। तब जाओगे कोसारी बार, 12 भाई कोसारी रहते हैं। तब जाओगे लोबीगढ़, 22 भाई लोबियाल रहते हैं, यहाँ से खंड लगते हैं दो। तब जाओगे चांदपुर, जहाँ 100 भाई चांदपुर रहते थे, लाडा काला परिवार था, सीधे साधे ताऊ। कैसा सत्युग समय होगा, 100 भाइयों की एक चूल्ही चूल्हा था, ऐसा भी समय था, 100 भाइयों का एक खाना था। भाइयों मेरी उम्र इतनी नहीं है जितना मैं संसार देख चुका हूँ, सुनी हुई बातें जो भी है, मतलब किसी ने पूर्वज नहीं बताया होगा, जितना मैं संसार देख चुका हूँ। मुझे 11 साल नेपाल जाते जाते हो गए, नेपाल में मीठा माइलो मस्तो जम्बू काशी क्वीरा गोरखनाथ जमोगीनाथ इस टाइप के देते हैं। मुझे 11 साल नेपाल जाते जाते हो गए, पर उन 100 भाइयों की एक ही कन्या थी, वो कौन, उसका नाम क्या था, बिसोला। बड़ा दुख की बात है, एक काल भैरव की गीत है, अलग अलग भैरव का अलग अलग खंड है, 100 भाइयों में एक ही लड़की थी बिसोला, तो वो बिसोला को मांगने के लिए 22 भाई मनसापति लोब्याल चले गए। नरवा लोब्याल वो कवारा था, 21 भाई की शादी हो गई थी, लास्ट राम नरवा लोब्याल, जब वो चांदपुर में जब गए लड़की मांगने, लाओ मित्रों बैठो, चाय दिया पानी दिया सब कुछ दिया। तब पूछा कि महाराज आप क्यों आए हो, कि हम तुम्हारे कन्या मांगने के लिए आए हैं। हिराम सब भाई सीधे सारे लाटा काला किकड़े थे, उन्होंने अपने लड़के का चिन्ह पतला दे दिया। बहुत लंबी बात है, बहुत लंबी कथा है, तो उस समय जब उन्हें कन्या जब दी तो बारात जब हुई तो लोबीगढ़ में पड़ वरान जगह थी, वहाँ पानी नहीं रहता था, वो बेचारे क्या करते जब बारिश होगी, कंटर हैं घड़े हैं तमाम चीज़ें बर्तन हैं सारे चीज़ों को बारिश के पानी से भर के रखते थे। ताऊ क्या समय था, घड़े के पानी से ही मतलब, हे प्रभु हे दीन दयालु हे दीन कृपा दीन उन पौन पानी रगत माता हे जगत भवानी, आज क्या नंगा समय आ गया, मैं देख के 7 हाथ धरती फटती थी, जेठ को देख के 9 हाथ धरती फटती थी, आज भैया कहते हैं, सास मम्मी पापा कहते हैं, पता नहीं चलता जेठ है या बहू। कलयुग हम तुमसे आया है, यानी कि कलयुग नहीं आया, कलयुग फैशन से आया है, कलयुग स्कूलों से आ गया है, कलयुग हम तुमसे आया है। सत्युग में कहते थे स्त्री का नंगा बदन नहीं रहना चाहिए, पूरा बदन ढका रहने चाहिए, आज स्त्री नंगा घूम रही है। हैरान हमारे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी सर में टलिया नहीं, बदन में हाफ कमीज, पूरी हाफ कमीज पहन के घूम रहे हैं। तो वो भी समय था सत्युग में जब 100 भाई चंदू थे, उनका एक रहन सहन था, बिसोला दे दी। जब बारात आई बिसोला जब गई लोबीगढ़, जब तक उनके पास पानी था तब तक उन्हें नहाया धोया खाना पिया रहन सहन। सोलह दसोड़ा जो मेरा स्वामी गली बिसोला,
तुम्हारा कहाँ फल धार ले पानी ध्यास रही गयो मैं तो नाल रे गुमरो जीना ये मारा सब गला झुम भयो तो भल्ला बिगड़ मेरा जगत है साई हे प्रभु जगत है मेरा कौन है क्या खाने लगे क्या पाने लगे क्या रोने लगे क्या जिंदगी लगे उछल पिसोला अधो रात में हंसूड बेर एक पथ बूब गर्मी में बसो सरकुल दीदी पानी पानी को हे महाराजो तत्सला रूप में सरकुल दीदी रूप में महाराज वो बिसोला हंसी गयो अधो रात आप मैच गयो हे बाजू तुम्हें कस जाग दिया में गयो न पानी न गाले गदरी सुना मेरा बाप मैं बाबो सुना सुमन मैं बाप ने सुना मैं ये मारा बिला भगन रे जाए भाली नशीब होनी मेरी हे काल फेरू मेरे बात वहाँ तो कहाँ मरी गए होने ले हाँ मेरे बात में हे काल फेरू कहाँ मर गया बोला तू आज बता तभी बताएगी ये कौन भरत के गीत हैं इटा में विशाला जब हंस जब बोलो चले रात देखे घर लग गया तो अपने पति से बोले हे स्वामी मैं मरवा पांच दिशा बिना तो झगड़ है मेरे तो खर है मेरे बाल है हिटो जा जागे पानी मिलो तब जागे जान हेरा तो जाते जाते लैन लुकड़ खाना पीड़ो थाम लैन बोरी बिस्तर थामो तो लॉबीगढ़ छोड़ दे तब गे सुजार मुनसार मल्ला मुनसार तल्ला मुनसार थल मुनसार तो लास्ट में कहा गे तुम्हारे के नाम हिरम बुक शॉप बुक शॉप में वाह उधर बाप बाल विद्या भारती तो उन्होंने अपन राज पाट रहा दे उन्होंने गाँव बाहर धल जाने हे भैरव दया जागी गेती गया लो रामे नाम जपन हे प्रभु तब फोकड़ो यार मेरे ध्यान चल बटका गया वाला आज ए दादा मेरे ध्यान का गई आज ये बेरवा दिल दश मन जन्मदार और दानपुर की भाषा है तो उधर टमाटर सॉरी बेरवल तब सब हाथ चंदपुर में रूप दर जाग जाग में सुरंग बना दी लॉबी गढ़ में तो पड़ल करी ही हे भैरव मेरा लॉबी गढ़ में पड़ रन जाग है जल ते सौ बगार दिन सौ सगर पूरी उन हीरा जाग जाग में पाल बग 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 पाल फटा जाएगी तब भैरव जो तब जनाब का जा ज्वार बनशार तो ज्वार बनशार तो उफदू बुक सुना घर में नौकरी करने पाल बना रहे नौ पानी नौ तो बेरवल टाइम अपन रूप वही बधार बाप ने रूप दे रहा चंदपुर नग चली हे बाबा की लय आई रे होली मेरा पोथी लोई ओय भणी भने की यार अच्छा मेरे चला सुना दे मेरा वो बिसला आ गानी है या वारसाने पारसाने अब कन्या क्या कहती है हे जोगी तो को होने लगा तू बिसोला बिसोला गुणिया तू को मेरा थे मित्र रहा कोसे तू मेरे इष्ट मित्र बिसोला गुणी हे राम तो तब भाई मंचित रह रो सदरान बैठा हूँ कहाँ पे आया या होला या जो मेरे अशी बहुत सारे मुने सारे महाजन कहाँ पे आलू जार मुन्शा राज कहाँ पे ऐसे सही कोई तब हो सा हिट कर तो यहाँ से जब सब भाई चंदू गया वहाँ सबको देखा तो बाईस भाई लोबियाल ने क्या काम करा अरे भाई सौ बकरे सौ चक्कर कहाँ से देते आप वो पढ़ भूल गए हो उधर का और सब कुछ है वो
बाढ़ ले होगो सूखे पेड़ हरे हरे हो गए खाड़ वेगो पानी वेगो सब कुछ वेगो दानपुर की भाषा है। मैं हूँ अलग ही मत बॉडी सही बात ना जा तुम बात समझो है नहीं। अब वो कहते हैं भाई सौ बकरे सौ मुर्गे सौ चक्कर कहाँ से देंगे अब सब बाईस भाई लोबियाल कहते हैं ऐसा नहीं सौ भाई चंदपुर के हैं मेरे ससुराली काल भरप का गुफा बनाया उन्होंने वहाँ पूजा करते बोला सौ भाई चंदपुर की बलि दे देते हैं अपने ससुराली की सौ भाई के मतलब वो दे देते बलि जवाई कहते हैं लोबियाल बोला सौ बकरे सौ चक्कर कहाँ से पुराते हैं अब बोले हमारे ससुराली हैं सौ भाई उनको उनकी बलि दे देते हैं हे भैरों अपना चली गो मुगल आजो देवा तो रे दाने रे बिला भाई हे भाई तो तुम्हें नशा जाग दो मगे मेरा पर पूरे हो आज आज सब बगाने जाग तुम्हार बलि हूँ अब ए मेरा मैं तो तुम्हें मेरा लो बिगड़ा सी बजन ले गु हो या तुम झनाया मेरे लो बिगड़ में तुम्हारे बली हूँ अब सब तुम्हारे बली हूँ तब जो है क्या नाम सब भाई को चंद्र जब चंद्र को जब बुलाया तो वहाँ जब बैठाया तो उस मारी पुकार बिशोला ने कहाँ गया मेरा काल भैरू आज मेरे मैं तुम्हें मौत होने काल भैरू का जन्म जब हुआ तब जाके उन्हें धुरीगा पाथर गल शमशान बेताली घाट मणगढ़ तिमिन घाट गिजियासवाल भालूघाट कृताल धर्मागढ़ सड़क अंदर गोट पान धुरी के पत्थर हिला दिए थे यहाँ से काल भैरव का जन्म। अपने गुरु जी के मुँह से पूरी कहानी सुनी है कि कैसे भैरव देवता का अवतार होता है कब इतनी करंट परिस्थितियों में इतनी विकट परिस्थितियों में भैरव देवता का अवतार होता है कि वहाँ पर से वो सब भाई उनको मारते हैं उनके ससुराल वाले होते हैं और जो पूरा धरती पर मतलब उत्तराखंड में वो मचा रहता है उसका इसका फैसला करते हैं भैरव देवता। तो दब से भैरव देवता दोस्तों हर घर में खेलते हैं हमारे उत्तराखंड में सबके साथ चलते हैं भैरव देवता देवियों के साथ भी माताओं के साथ भी और स्त्रियों के साथ जहाँ जहाँ कहीं अन्याय वगैरह होते हैं तो भैरव देवता हर हमेशा खेलते हैं दोस्तों। भैरव देवता का स्थान बहुत बड़ा होता है भैरव देवता अपने आप में ही बहुत बड़े देवता होते हैं उन्हें ना कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है भैरव देवता को। जहाँ एक बार उनका आगमन हो जाता है भैरव देवता का तो भैरव देवता अपना जो हिस्से का होता है वो लेके रहते हैं और जो जिस कार्य के लिए आए होते हैं उस कार्य को पूरा करके ही जाते हैं भैरव देवता। तो ऐसे देवता को सत सत नमाने दोस्तों और मैं आशा करता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर लोग मुझसे लगातार पूछ रहे थे तो उनको इससे बहुत शंकाए और सारी चीज़ों का दूर हुआ। तो दोस्तों आज के बाद ये कहानी भी यूट्यूब में चल जाएगी जो मैंने आप डाल दी है अब फिर दोस्तों इसमें भी काफ़ी लोग अपना डालेंगे सब कुछ इस हिसाब से तो आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है तब तक के लिए मेरे चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना।